जी सर, आज जो आयुर्वेदिक कॉलेज में सेमिनार रखा गया है वो बच्चों को किस प्रकार की जानकारी देने के उद्देश्य से रखा गया है और आपने क्या क्या उसमें अपना मार्गदर्शन बच्चों को दिया है? विभाग ने बच्चों को बच्चों के लिए इसमें विशेष रूप से इस प्रकार का ध्यान दिया गया कि किस प्रकार से जो है मेडिसिन प्लांट को आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है और जो मेडिसिन प्लांट्स में मेडिसिन एक्टिविटीज है उनको आइडेंटिफिकेशन करने के बाद कैसे के स्तर तक लिया जा सकता है। हमने भी उनको इसी विषय में ध्यान दिलाया और ये बताया कि कैसे एक मेडिसिन एक्टिविटीज को मालिक्यूल को आइडेंटिफाई करके ड्रग के लेवल तक ले जाया जा सकता है, कितने चरण होते हैं, कैसे विभिन्न चरणों को पार करके ले जा सकते हैं। विद्यार्थियों बहुत इसमें रुचि जो जानकारी आपने बच्चों के संग साझा की उसमें बच्चों को आने वाले भविष्य में लाभ प्राप्त होगा उससे? निश्चित रूप से आज की पीढ़ी शोध के प्रति अनुसंधान बहुत जागृत है और बच्चों ने इस बात के लिए जिज्ञासा है कि कैसे वो इस भौतिक संपदा को अपने लक्ष्य के फॉर्म में ले जाए और कैसे जो है आज का ये भौतिक आप अपने भौतिक संपदा को भौतिक ज्ञान को उपयोग में ला करके उससे कैसे व्यापार कर सकते हैं, कैसे उससे प्राप्त कर सकते हैं, ये बहुत आवश्यक है। बच्चों में काफ़ी जिज्ञासा है, हमने कोशिश की है कि इसकी जो है कैसे किसी को